हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगी एमएस ऑफिस में इंसर्ट। एमएस ऑफिस में इंसर्ट बताऊंगी और इंसर्ट में पेज कवर के बारे में बताऊंगी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करिए और इंसर्ट पे काम अपना शुरू करिए। यह है हमारा पेज कवर। पेज कवर आप लीजिए, इस तरह से बना बनाया डॉक्यूमेंट टाइटल आप चूज कर सकते हैं। जो भी टाइटल चाहिए इस तरह से चूज कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट टाइटल दे सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट सब सब टाइटल लिख सकते हैं। देन नीचे जो कि मैंने पहले से टाइप कर रखा है वर्ड वगैरह टाइप कर सकते हैं इस तरह से। अब आप चाहते हैं कि इसमें नया कुछ ऐसा टाइप हो वर्ड पिक्चर वगैरह, तो आप पिक्चर में जाके दिस डिवाइस में आपका पिक्चर पहले से अपलोड है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, स्टॉक इमेज से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्टॉक इमेज या फिर ऑनलाइन पिक्चर आपको इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए। बिना इंटरनेट का ये सब पिक्चर आपको इंस्टॉल नहीं होगा। होगा तो ये सिर्फ दिस डिवाइस का पिक्चर आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि पहले से सेव रहता है फाइल में आपका। तो इस तरह से आप इंसर्ट पिक्चर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, बना बनाया पिक्चर आएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में ढेर सारा पिक्चर आएगा। कोई भी पिक्चर लीजिए, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। देन आपका बना बनाया पिक्चर इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग देने के बाद आप जितने भी पिक्चर लोगे, सॉरी ब्लैंक पेज लोगे, सारे के सारे ब्लैंक पेज में आपका हेडिंग के साथ ब्लैंक पेज आएगा इस तरह से। नहीं लोगे हेडिंग तो बिना हेडिंग का ही ब्लैंक पेज आ जाएगा बीच में। पेज ब्रेक लोगे तो इस तरह से हेडिंग के साथ आएगा। आपको रिमूव करना है तो कवर पेज पे जाइए, अपना डॉक्यूमेंट पिक्चर जो है फाइल उसको इस तरह से आप रिमूव पे क्लिक करिएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि आपने इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसको डिलीट करना होगा जाके पेज कवर में। तो ये थी हमारी इंसर्ट के बारे में छोटा सा वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी टेबल के बारे में। इस तरह के शॉर्ट्स वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए जो कि टाइम कम लगेगा, थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ सीख जाओगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।